पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान समय समय पर ये दावा करते रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में अच्छा बर्ताव हो रहा है, लेकिन जो घटना ननकाना साहब के गुरुद्वारे के बाहर हुई, जो पवित्र स्थान है, उसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है वो पोल खुल चुकी है। इमरान खान ने जिस तरह से दावे किए थे वो पुख्ता होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और गुस्सा जो है एक बार फिर से जम्मू में तमाम सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों का यहाँ पर फूटा है। दिग्याना आश्रम के बाहर के आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। दावा करते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ बराबरी कहीं ना कहीं बर्ताव होगा, लेकिन जब इस तरह से शर्मनाक घटना होगी तो पोल खुल रही है पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान में देखो जिस ढंग से वारदात यहाँ पे हो गई, कई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं था, और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर पे हम डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे और हमारे मुल्क के प्रधान अपनी चुप्पी तोड़े और सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ पे करते हैं कि अपना इंटरनेशनल लेवल पे आप दबाव बनाएं ताकि इन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। प्रोटेस्ट पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है। वहाँ के गुंडे चंद लोगों ने गुरु नानक साहब जी के पावन पवित्र स्थान जन्म स्थान श्री ननकाना साहब पर जिस ढंग से उन्होंने पथराव किया है, हमला किया है, संगत को तंग किया गया है, उसके विरुद्ध में हमने जो प्रोटेस्ट है वो जहाँ पर लॉन्च किया है। हम इतिहास में जो हिस्ट्री है हमारी, उसमें ये कहा गया था कि जो गुरु नानक साहब अपने जब ज्योति जो समावने लगे थे तब उस वक़्त मुसलमान जो थे वो कहते थे हमारे पीर हैं, हिंदू जो थे उस वक़्त के सिख जो थे वो कहते हमारे गुरु हैं, हम इनके अपने ढंग से उनका अंतिम दाह संस्कार करेंगे। तो उस वक़्त जो सियाने लोग थे उन्होंने ये बैठ कर फैसला किया था कि देखो भाई चलो गुरु नानक साहब से ही पूछते हैं क्या क्या करना है। तो जो चादर थी बिछाई गई थी उनके ऊपर, उसके नीचे गुरु नानक साहब का शरीर नहीं था। जब उनको यह फैसला करना पड़ा कि उस चादर के दो हिस्से कर लें और आधा को दफनाया गया है करतारपुर में और आधी चादर का संस्कार किया गया है, हमें आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वही मुसलमान गुरु नानक साहब की पैदाइश पर गुरुद्वारा ननकाना साहब पथराव कर रहे हैं, जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान वजूद में है। अगर उसका कुछ वजूद बचा है तो गुरु नानक साहब की वहाँ पर मेहरबानियाँ हैं, उनकी जो अरदासें हैं, वो जो हमारे पवित्र स्थान है वहाँ पर पाकिस्तान पर, उसके साथ साथ जो मिनाटी को पाकिस्तान में हिरास किया जा रहा था वो आज साबित हो गया है कि उनकी पॉलिसी जो है अंदरूनी यही है कि हम इन मिनाटी को यहाँ पर इतना तंग करें ताकि ये खुद ब खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएं। हमें बहुत दुख है कि गुरु नानक साहब के पैदाइश जो जन्म स्थान है गुरु ननकाना साहब, उस पर इस किस्म की हरकत की गई है। ये 70 साल में पहली दफ़ा हुआ है और इसको हम कंडम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है उस पर जो जिन गुंडे लोगों ने ये हमला किया है उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो जो हैं हाईलाइट हुई हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हम तो डिमांड करेंगे कि ऐसे गंदे अनासर को जो देश की बदनामी का जरिया बनते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों का यही कहना था कि ननकाना साहिब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप हिंदुस्तान व पाकिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं, उन रिश्तों में जो है मिठास लाने की बात करते हैं, लेकिन इस मसले पर चुप्पी जो है आपको तोड़नी होगी और आपको भी बताना होगा कि आखिरकार आपका क्या कहना है। इसी के साथ कैमरा गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे बता लेती हूँ। नमस्कार।